सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। चौहान गांधीनगर गुजरात से, वह डायस पर आकर अपनी बात रखेंगे। बंटी चौहान गांधीनगर गुजरात से। जय मूलनिवासी साथियों, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भंगी जाति है वो बहुत पिछड़ी और दबी कुचली जाति है, मगर वो इसलिए दबी कुचली है क्योंकि उसको उसका इतिहास ही पता नहीं है। साथी कार्यकर्ता ने हमें बताया कि भंगी जाति का बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे हमको बताया जाता है कि मंगल पांडे सबसे पहला शहीद, अगर मंगल पांडे सबसे पहला शहीद था तो माता दीन भंगी कौन से नंबर पर था? माता दीन भंगी कौन से नंबर पर था वो हमारे बामसेप और मूल निवासी विचारों ने निकाला कि सबसे पहला शहीद होने वाला इस देश का माता दीन भंगी वो भंगी जाति से था। अगर हम इतिहास नहीं जानेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हमें आगे बढ़ना है तो इतिहास जानना पड़ेगा। अगर हम इतिहास जानेंगे तो हमारा फ्यूचर भी हम डिसाइड कर पाएंगे। मैं गुजरात से हूं तो गुजरात की बात रखूंगा साथियों। गुजरात के अंदर भंगी जाति को बहुत ही नीच जाति माना जाता है कि जो सफाई की काम करते हैं उसका आत्मसम्मान ब्राह्मणों ने छीन लिया ताकि वो अपनी विचार रजू ना कर सके, बता ना सके किसी को। मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते हो सफाई काम करने वाले की भंगी जाति का जो काम है वो ठेकेदारी प्रथा आज गुजरात में है और पूरे भारत में है, और उसकी वजह से आज ऐसी नौबत आ गई है कि उनके खाने पीने पर भी नौबत आ गई है कि वो खा पी भी ठीक से नहीं रह सकते। उनकी जो नौकरियां सफाई में थी वो 25-30 हजार कमाते थे, तो आज ठेकेदारी प्रथा लाकर भाजपा और कांग्रेस सरकार ने उनको गुलाम बना दिया है। ठेके पर रखते हैं तो 3-4 या 5 हजार रुपए एक व्यक्ति को देते हैं और जब चाहे उसको काम पर बुलाते हैं। रात को भी कभी कभी हमने देखा है गुजरात में, रात को भी सफाई का काम करवाते हैं। हम लोग गुजरात में इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम भंगी जाति के लोग गांधी के पीछे लग गए। अगर हम गांधी के पीछे लगने के बदले बाबा साहब के पीछे लगे होते तो आज ये हमारी समस्या नहीं होती। आज हमारे गुजरात की यह बात है कि गांधी को इतना माना उन्होंने क्योंकि आप जानते हो वो बहुत छोटे कपड़े पहनता था और झाड़ू लेकर सफाई करने लगता था हमारे मोहल्लों में जाकर। तो हमारे लोग क्या समझते थे कि गांधी तो हमारी सफाई करने वाली जाति का है। हम लोगों को हरिजन दिया, गाली दी, मगर हम ऐसा समझते थे कि उन्हें हमारा सम्मान किया। जो सच्चा सम्मान करने वाला बाबा साहब था उसको हमने नहीं जाना, और जो हमारी गुलामी को बरकरार करने वाला गांधी था, गद्दार था, उसको हमने अपना भगवान माना। इसलिए हमारी यह स्थिति है आज। आज मूल निवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज एक मौका मिला है हमें। ज्योतिबा फूले ने हमें शिक्षा दी, ज्योतिबा फूले ने हमें शिक्षा दी, बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और वामन मेश्राम आज संगठित कर रहे हैं। जो बाबा साहब का सूत्र था शिक्षित बनो, तो ज्योतिबा फूले ने शिक्षित बनाया। संगठित बनो, बाबा साहब ने हमें एक संगठन और विचारधारा देकर संगठित बनाया, और संघर्ष करो, अगर वामन मेश्राम के साथ जुड़ोगे तो संघर्ष तय है। वामन मेश्राम साहब ही एक ऐसा नेता है कि जो सही राह पर हम पिछड़ी दबी कुचली सब जातियों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उन लोगों के सच्ची लड़ाई लड़ने वाला एक ही इंसान मुझे दिख रहा है। मैं 2004 से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं। मैं पहले भी बहुत सारे संगठनों से जुड़ा था, उनका काम देख रहा था, और इसमें आने से पहले इसका भी मैंने काम देखा कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा क्या काम कर रहा है। अगर ये ठीक काम नहीं करता तो मैंने कब का छोड़ दिया होता, मैं साफ साफ बताता हूं। मगर मैं आज भी यहां पर हूं, और जब तक
मेरा मेरी जिंदगी रहेगी तब तक इसी में मैं काम करूंगा, क्योंकि इसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मूल निवासियों का सच्चे हक और अधिकार दिलाने की ताकत है। मैं दो ही मिनट, एक ही मिनट लूंगा। एक और है कि हमारे मूल निवासी विचारधारा पर चलने वाली एक पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, और वो हमारे ठेकेदारी प्रथा नाबूद करने के लिए आवाज उठा रही है। अगर हम लोग, गुजरात में आज इलेक्शन है, अगर हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, मूल निवासी विचारधारा को जो आगे बढ़ाने वाली पार्टी है उसको साथ नहीं देंगे, तो हमारी समस्या और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बहुजन मुक्ति पार्टी ने एक बताया है कि ठेकेदारी प्रथा नाबूद करेंगे। अगर गुजरात में ठेकेदारी प्रथा है और उसको नाबूद करना है, मूल निवासियों को आगे बढ़ना है, तो ठेकेदारी प्रथा नाबूद करेगी। चालू नौकरी में अगर किसी सफाई कर्मी का मौत होता है तो इसको 1 करोड़ रुपए देंगे नगद, और उसके परिवार को, किसी एक सभ्य को सरकारी जॉब मिलेगी, वो भी उसके पढ़ाई के हिसाब से, उसने जिस तरह से पढ़ा है, अगर वो 10वीं पास है तो उस हिसाब से, ग्रेजुएट किया है तो उस हिसाब से। तो ऐसी पार्टियों को हमें सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ संगठित रहेंगे और सत्ता तक नहीं जाएंगे तो हमारा विकास नहीं होने वाला, क्योंकि आज तक हमने देख लिया 7 साल में हमारी क्या परिस्थिति है। लास्ट बात बता देता हूं कि दिया जलाने निकला मैं, दिया जला के रहूंगा, दिया जलाने निकला मैं, दिया जला के रहूंगा, सफाई वालों का बेटा मैं, सफा करके रहूंगा, इन मनुवादियों को सफा करके रहूंगा। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद बंटी चौहान।